आ रहा मैं दोबारा फिर अईपुना। जी हाँ, पवन सिंह का ये सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे स्क्रीन पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये इसी सॉन्ग की है। ऐसे ही अटायर यानी कि ऐसे ही कपड़ों में नज़र आने वाले हैं पवन सिंह और पवन सिंह की हीरोइन। आपको बता दें कि इस गाने को बड़े ही सस्पेंस तरीके से शूट किया गया, यानी कि किसी को इस गाने की फुटेज लीक करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा कोई करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। बस फैंस के लिए पवन सिंह ने ये किया है कि कुछ फोटोज़ अपनी मीडिया में सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई है कि इस गाने की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है। वैसे इस गाने की शूटिंग मुंबई के मड में कंप्लीट की गई और इसके डायरेक्टर थे रवि पंडित। जी हाँ, रवि पंडित, जिसे आपने पुदीना वाले सॉन्ग में पुदीना गाते हुए सुना होगा। आजकल रवि पवन के हर बड़े गाने को डायरेक्ट कर रहे हैं और उनके डायरेक्शन में पवन सिंह के मोस्ट ऑफ गाने सक्सेस भी हो रहे हैं। वैसे इस गाने का इंतज़ार लोग बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस गाने को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी जो क्रिएट हो गई है। कॉन्ट्रोवर्सी ये कि खेसारी लाल यादव का कहना है कि ये गाना उनका है और पवन सिंह का कहना है कि ये गाना उनका है। लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी पे तब विराम लग गया जब खेसारी लाल यादव के मैनेजर का ऑडियो लीक हुआ और इस ऑडियो लीक में क्लियर हो गया कि ये गाना किसी और का नहीं पवन सिंह का है। पवन सिंह ने इस गाने को 3.5 महीने पहले ही गा दिया था और खेसारी ने इस गाने को 15 दिन पहले ही मुंबई में रिकॉर्ड किया था। अब जब पवन सिंह के गाने का पोस्टर रिलीज़ हुआ तो तड़ी ताबड़ी में, या यूँ कह लें कि हड़बड़ी में, अपने गाने का पोस्टर रिलीज़ किए बिना ही गाना रिलीज़ कर दिया गया खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड से। खेसारी लाल यादव ने सबसे पहले ये सोचा कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगे। खेसारी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये गाना उनका पहले आएगा लेकिन पवन की आवाज़ में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। फेसबुक से लेकर इंस्टा और इंस्टा से लेकर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर खेसारी लाल यादव के मीम बन रहे हैं, लोग उनका मजाक बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना